Hello students, I am back with the third part of the lesson Nationalist Movement in Indochina. New Republic of Vietnam ko bahut sare challenges face karne pade. Sabse pehle unke samne challenge aaya fall of Dinh Binh Phu. Dinh Binh Phu northwest Vietnam ka ek town tha jo ki France ka ek military base tha. फ्रांस अभी भी वियतनाम के ऊपर से अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहता था, इसलिए दोनों में लड़ाई हुई और वियत मिन ने फ्रांस को एक कड़ी टक्कर दी जिसके थ्रू 16,000 सोल्जर्स फ्रांस के कैप्चर कर लिए गए. 1,749 ऑफिसर्स को प्रिजनर बना लिया गया जिसमें 16 कॉलोनल्स भी थे. उसके बाद जिनेवा में एक मीटिंग हुई जिसमें वियतनाम को डिवाइड कर दिया गया नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. नॉर्थ वियतनाम में होचिमिन और साउथ वियतनाम में बाओडॉय गवर्नमेंट पावर में आई. लेकिन उसी समय बाओडाई रिजीम को ओवरथ्रो कर दिया गया एक षड्यंत्र के थ्रू जो वहाँ पर किया था गो डीन डीम ने, और उन्होंने वहाँ पर एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट बनाई जिसके थ्रू जो कोई भी उन्हें अपोजिट करता वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के थ्रू उसको क्रश कर देते. लेकिन उन्हीं दिनों NLF नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और वियत होचिमिन और NLF ने मिलकर गो डीन डीम की गवर्नमेंट को चैलेंज देना शुरू कर दिया. न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन वियतनाम के सामने एक और चैलेंज आया, एंट्री ऑफ US. नॉर्थ में होचिमिन गवर्नमेंट और साउथ में NLF, इन दोनों ने मिलकर कंट्री को फिर से यूनिफाइड करने की कोशिश की. लेकिन इस अलायंस को US ने एक फियर के साथ देखा. वो फियर क्या था? वो फियर था कि कहीं वियतनाम में कम्युनिज्म ना फैल जाए, और इसीलिए US ने उस कंट्री में एंटर करना शुरू कर दिया, अपनी ट्रूप्स को भेजना शुरू कर दिया और एक लड़ाई शुरू हुई बिटवीन वियतनाम एंड US. जब वियतनाम और US में लड़ाई शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों को US से वियतनाम में लड़ाई करने के लिए भेजा गया. बहुत सारे लोग US में इस बात से गवर्नमेंट से नाराज़ थे कि वाई US इज़ एंट्रिंग इंटू वियतनाम. क्यों? क्योंकि वहाँ के बहुत सारे यूथ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को वॉर के लिए भेजा जा रहा था, और स्पेशली जो प्रिविलेज लोग थे उनको वॉर के लिए नहीं भेजा गया बल्कि माइनॉरिटीज़ और चिल्ड्रन को भेजा गया. इस बात को लेकर बहुत सारे लोग US में अपनी गवर्नमेंट से नाराज़ थे. US वियतनाम वॉर को US मीडिया ने भी अपने फिल्म्स के थ्रू प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन वेन्स की ग्रीन बेरेट्स फिल्म बनाई गई विच हैड शोन कि वॉट एवर मे बी द रीजन्स, लेकिन हमें अपनी कंट्री के लिए इफ़ वी नीड टू डाई. इसी तरह से दूसरी एक फिल्म बनाई गई फ्रांसिस फोर्ड कोपोलाज एकोलिप्स, जिसने ये प्रेजेंट किया कि इस वॉर को लेकर कुछ मॉरल कन्फ्यूजन्स हैं वेदर इट शुड टेक प्लेस और नॉट. US वियतनाम वॉर शुरू ही US पॉलिसी प्लानर के फियर की वजह से. फियर किस चीज़ का था? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेकर, वियतनाम में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना आ जाए या वियतनाम को देखकर दूसरी कंट्रीज़ भी उसी तरह से कम्युनिज्म को अपने यहाँ इस्टेब्लिश ना कर लें. और इस वजह से उन्होंने, दैट मीन्स US ने वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया था. उन्होंने दो चीज़ों को लेकर शायद वियतनाम को अंडर एस्टिमेट किया. उन्हें लगा छोटा सा नेशन है, वहाँ के लोग अपने देश के लिए दे विल नॉट डाई, दे विल नॉट बी इंस्पायर्ड फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द नेशन. दूसरा, US टेक्निकली एडवांस कंट्री है और उसके सामने वियतनाम शायद टिक नहीं पाएगी. तो इन बातों को लेकर भी US ने बहुत जल्दी से वियतनाम के ऊपर अटैक कर दिया. होचिमिन ट्रेल फुटपाथ और रोड का एक नेटवर्क था जो US वियतनाम वॉर के दौरान यूज़ किया गया. इसमें नॉर्थ वियतनाम से साउथ वियतनाम तक 20,000 सोल्जर्स को लगभग भेजा गया. उसके अलावा इस ट्रेल में सपोर्ट बेसिस और हॉस्पिटल्स भी बनाए गए थे. फ्रॉम नॉर्थ वियतनाम टू साउथ वियतनाम अराउंड 25 किलोज ऑफ द गुड्स मे बी ऑन द बैक एंड 70 किलोज गुड्स मे बी ऑन द बाइसाइकिल वर रीच्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. US रेगुलरली इसके ऊपर बॉम्ब डालता था ताकि डिसरप्शन किया जा सके. बट इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जैसे ही US बॉम्ब डालता और इन रोड्स को डिस्ट्रक्ट करता तभी वियतनामीज उनको रिपेयर करने में लग जाते थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ वियतनाम. बहुत पुराने टाइम में चाइना रूल किया करता था वियतनाम के ऊपर, लेकिन कुछ लोगों को चाइना का रूल पसंद नहीं आता था. उसमें बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं ट्रंक सिस्टर्स. ट्रंक सिस्टर्स ने 30,000 की आर्मी तैयार की और चाइनीज़ को रेजिस्टेंस दिया ताकि वो उनकी कंट्री को छोड़कर चले जाएं. दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन जैसे ही चाइनीज़ ने डोमिनेशन दिखाया ट्रंक सिस्टर्स के ऊपर उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया इन प्लेस ऑफ फेलिंग इन टू द हैंड ऑफ द एनिमीज़. फान ने अपने प्लेस में ट्रंक सिस्टर्स को बहुत आइडियलाइज्ड और ग्लोरीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट किया. उनको फिर वियतनाम में तरह तरह से पेंटिंग्स में, प्लेज में, नॉवेल्स में भी हीरोज़ की तरह प्रेजेंट किया गया.
जिस तरह से हमने ट्रंक सिस्टर्स की स्टडी की उसी तरह से नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रू यू। शी वॉज अ गर्ल जो बचपन में ही ऑर्फेन हो गई थी और अपने भाई के साथ रहती थी। बड़े होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगी। शी ऑल्सो डिड नॉट लाइक द चाइनीज रूल ओवर वियतनाम। तो उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार की और उस आर्मी के साथ लड़ाई की। जब आर्मी और उनके बीच में लड़ाई हुई और ट्रियो यू की आर्मी क्रश हो गई तो उन्होंने अपने आप को ड्राउन कर लिया। बट शी बिकेम एन आइकॉनिक फिगर इन वियतनाम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन फॉर वियतनामी स्ट्रगल। वियतनामीज लेडीज़ ने नर्सिंग ऑफ द वुंडेड का काम किया, अंडरग्राउंड रूम्स बनवाए, पैनल बनवाए। होचीमिन ट्रेल में जितने भी लोग काम करते थे उनमें से अधिकतर वीमेन हुआ करती थी। ऐसा माना गया कि उन्होंने 6 एयरपोर्ट्स बनाए, 10 ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स को न्यूट्रलाइज किया। उसके अलावा न्यूगुएन तुई ज़ुआन जो कि बहुत रेप्यूटेड है इस काम के लिए कि उन्होंने 20 बुलेट्स मारकर एक जेट को गिरा दिया था। तो इस तरह से वीमेन गेव ए मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल ऑफ वियतनाम। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस थ्रू योर कमेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।